हेलो फ्रेंड्स, आज मैं चिकन शाही चीज़ रोल रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो ये बनाना बहुत ही आसान है, एक बार देख के आप आसानी से घर पे बना सकती है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करें। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम बोनलेस चिकन ले लिया हूँ। अब इसमें डाल रही हूँ हरा धनिया, डंठल समेत है, और ये 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, 6-7 लहसुन की कलियाँ हैं। तो चलिए इसे पीस लेती हूँ। देखिए अच्छे से मैं पीस चुकी हूँ इसको, एक बाउल में निकाल लेती हूँ। मैं पीस के मैं निकाल चुकी हूँ एक बाउल में। तो अब मैं मसाला ऐड कर रही हूँ। काली मिर्च का पाउडर है, ये मेरा चाट मसाला है, ये मेरा कुटी हुई चिली फ्लेक्स है, 1/2 टीस्पून मैं डाल रही हूँ जीरा पाउडर, और मैं यहाँ नमक ऐड कर रही हूँ। मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। देखिए इन सारे चीज़ों को मैं मिक्स कर चुकी हूँ। तो अब मैं सिलेरी बना लेती हूँ। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच मैदा और 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर और नमक, और ये थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर है, इसे घोल बना लेती हूँ। ये मेरा सिलेरी बन के रेडी है। देखिए इस तरह से आपको लोई ले लेना है। इस तरह से प्रेस कर देना है इसको। इस तरह से बना लेना है। तो चलिए इसे हम और इसे इस तरह से रोल कर लेना है। साइडों का इस तरह से आप निकाल ले चाहते हो, इसी में इसको इस तरह से कर लेना। इस तरह से बना लें, जहाँ से आपका चीज दिख रहा था उसको कवर कर देना है, नहीं तो फ्राई करने के टाइम में आपका निकल जाएगा। बन गया है, इसी तरह से सारे बना लेना है आपको। सारे रोल्स को मैं बना के रेडी कर चुकी हूँ। देखिए इस तरह से आपको इसमें डुबा लेना है सिलेरी में, और रेड कलर में कोट कर देना है इस तरह से।
इसी तरह से आपको सारे बना लेना है। दूसरा पीस भी इस तरह से कर देना है। इसे भी इस तरह से कोट कर देना है। सारे इसी तरह से आपको बना लेना है। ठीक है, सारे रोल्स को मैं बना के रेडी कर चुकी हूँ। सारे चिकन रोल को मैं इस तरह से बना के रेडी कर चुकी हूँ। देखिए, चलिए इसे फ्राई कर लेते हैं। तेल मेरा गर्म हो चुका है, डाल देती हूँ मैं। सारे रोल्स मैं डाल चुकी हूँ। सारे साइडों को पलट देती हूँ। अब तो आपका ब्राउन हो चुका है एक तरफ से। गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई कर लेती हूँ अच्छे से। तो देखिए, मैं फ्राई करके एक प्लेट में निकाल चुकी हूँ। तो ये मेरा चिकन साई चीज़ रोल्स बन के रेडी है। तो इस रेसिपी को आप भी ज़रूर ट्राई करना। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। दिखाती हूँ मैं इसको तोड़ के। देखिए कितना अंदर से जूसी बन के रेडी हुआ है। देखिए, सारा चीज़ अंदर से मेल्ट हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। मिलती है एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।